तो डबवाली सीट से कांग्रेस प्रत्याशी इस वक्त हमारे साथ है अमित सहाग। किस तरह आपने वोट दे दिया, एक पर तो इंग फिंगर दिखा। इस बार चुनौती आपके सामने कितनी बड़ी है आदित्य चौटाला? नहीं, मैं कभी भी किसी जो नेता मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं उनको चुनौती नहीं मानता, क्योंकि मेरा हमेशा निशाना भी, समय भी, नज़र भी जनता की तरफ रहती है कि मेरा सीधा संवाद उनके साथ है। मैं हर रोज़ यही सोचता हूँ कि मेरा अगला दिन और बेहतर कैसे हो। तो मैं ये मानता हूँ जनता का मैं एक स्पष्ट आशीर्वाद देख रहा हूँ, और मैं आपको ये पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, ये कोई ओवर कॉन्फिडेंस और गुमान नहीं है, पर मैं जनता का देख रहा हूँ। जनता चुनाव लड़ रही है और जनता का मन है कि 8 तारीख को एक बड़े बहुमत के साथ यहाँ पर जिताने का काम करेगी। कह रहे हैं कि कांग्रेस यहाँ पर वापसी कर रही है हरियाणा में, और जिन सीटों के बूते कांग्रेस वापसी की उम्मीद में है उनमें से एक सीट डबवाली है, तो ऐसे में अगर सरकार बनती है तो अमित सहाग मंत्री लेंगे, मंत्री बनेंगे? नहीं, देखिए, मेरा पहला जो मकसद है, जो कर्तव्य है, वो यहाँ पर जीत कर निकलना सभी के बदौलत, सभी के मेहनत के साथ, ताकि उसके बाद जो पार्टी फैसला करेगी, हाईकमांड फैसला करेगी। मैंने विपक्ष में भी विपक्ष की भूमिका उस बखूबी निभाने का प्रयास किया, सत्ता पक्ष में जो भी जिम्मेवारी मिलेगी वो जिम्मेवारी का निर्वहन करने का मैं बखूबी प्रयास करूँगा, और मुझे पूरी उम्मीद है एक बड़ी ताकत कांग्रेस पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से डवाली हल्के को आएगी। पर मुख्यमंत्री कौन होगा, ये भी संशय है, सीधा सवाल है, भूपिंदर हुड्डा, कुमारी सैलजा या रणदीप सुरजेवाला? देखिए, ये फैसला जैसे हमारी एक सिस्टम है पार्टी के अंदर, और इसमें सभी जग जाहिर हैं, जब सरकार बन जब चुनाव हो जाते हैं, बहुमत आ जाता है, तो पार्टी सभी नेताओं का उनसे उनका मत लेती है जो विधायक बनकर आए हैं। फिर विधायक के मत को का विश्लेषण किया जाता है, पार्टी अपना इस पर विश्लेषण आंकलन करती है और उसके बाद एक फैसला लेती है। आप किसे चाहते हैं? नहीं, ये फैसला जो है मैं मानता हूँ पार्टी हाईकमांड ने करना है। मैं तो एक अनुशासित सिपाही हूँ पार्टी का, जो भी पार्टी का फैसला होगा मैं मानता हूँ आमजन के हित में होगा, और मैं उन पार्टी के जैसे जो फैसला है उसके साथ हम खड़े हैं सारे। कितनी सीटें जीत रही है कांग्रेस? मेरा देखिए, मैं कभी भी ऐसी बातें नहीं करता, कई हालांकि मेरा नाम कई बार लोग उच्चारण करते हैं तो अमित शाह जी बोल देते हैं, अमित सिहाग है तो शाह, तो मैं अगर उनकी तरह चाणक्य की भूमिका में तो नहीं हूँ। आप उनको चाणक्य तो मानते हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ उस तरह की भूमिका जो वो कहते हैं 400 पार और उसके बाद जो सीटें आई हमारी, बट चलो ये तो वैसे मैं कह रहा हूँ, पर कहने का मकसद मेरा ये है कि आज मुझे लगता है कम से कम जो मेरा एवरेज काउंट मैं कहता हूँ, हालांकि मैं दूसरे हलकों में नहीं गया तो मुझे सारी तासीर नहीं पता हलके की अभी तक क्या हालात है, पर मैं मानता हूँ 60 प्लस सीटें कांग्रेस पार्टी आसानी से जीत रही है। INLD से इस बार आदित्य चौटाला लड़ रहे हैं, पिछली बार बीजेपी से लड़े थे, और कह रहे हैं कि INLD एक बार परिवार फिर से साथ है तो ऐसे में इस बार मजबूत और किंग मेकर की भूमिका में होगी। नहीं, वो देखिए, वो नतीजा आपको 8 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। कोई जिस तरह का गणित हम कई बार मीडिया में बैठे हुए लगाते हैं कि, और या वो तो दावा करेंगे कि हमारे पास ये वोट प्लस ये वोट, ये प्लस ये वोट, धरातल पे वो नहीं है। मैं मानता हूँ कि जो इन पार्टियों से जुड़े हुए लोग भी हैं, जो एक सकारात्मक सोच रखते हैं, चाहे वो लोकदल से हों, चाहे वो भाजपा से हों, मैं मानता हूँ वो भी कहीं ना कहीं इस बार वो बदलाव के भागीदार बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं एक तरीके से मेरे माध्यम से विश्वास जता रहे हैं शराफत और विकास की राजनीति पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। What does Haryana's youth want? What's the political mood of the region? Will these assembly elections correspond to Lok Sabha election results? सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी। राम राम। Who will have the last laugh? Will it be Nayab Singh Saini of BJP or Bhupinder Singh Hooda from Congress? We'll turn the tables this time. Haryana में मौजूद हैं हम इस वक्त। Get to know the ground reality of the Haryana elections 2024 with real-time updates in your language and your preferred platform only on ABP Live Election Center. Sahi information, har election.